जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, मैं जितना भी टॉपिक अभी लेकर के आ रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके स्टडी में बहुत अधिक वैल्यू एडिशन करेगा, ठीक है। और ये सब जो टॉपिक्स हैं वो छूटे हुए थे और अभी उस तरीके से करेंट में भी कुछ न्यूज में कुछ खास अभी नहीं आ रहा है। जो भी खास चीज़ें हैं उन सभी को मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके G20 के बारे में बहुत अच्छे से मैं बनाया हूँ वीडियो, उसको देख लीजिएगा। और आसियान कंट्रीज के बारे में भी अभी न्यूज में चल रहा है तो उसके बारे में भी काफी अच्छा वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न यूपीएससी के फेवरेट्स होते हैं प्रीलिम्स और मेंस में, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं प्रश्न भी देने वाला हूँ, देखिएगा। और प्लस इसको थोड़ा सा प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। नोट्स जरूर बना लीजिएगा, नोट्स बनाए तो उसमें ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, पुनर्योजी कृषि, तो पुनर्योजी कृषि क्या है। सबसे फर्स्ट तो इस कॉन्सेप्ट पे ही प्रश्न बनता है, तो मैं केवल इसके कॉन्सेप्ट पे ही बात करूंगा। लगभग 5 से 10 मिनट का ये वीडियो होगा, उससे ज्यादा वीडियो नहीं होगा, लंबा नहीं होगा। ये आप लोग चिंता मत कीजिए, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा आपको, प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि पुनर्योजी कृषि क्या है और सरकार इसको ज्यादा अभी जो है प्रोत्साहन क्यों देने के लिए प्रयास कर रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, पुनर्योजी कृषि जो है वो, देखिए क्या बात चल रहा है अभी कि केंद्रीय बजट में 2023-24 ने यहाँ पे रासायनिक और वैकल्पिक उर्वरकों के लिए संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पुनर्योजी कृषि या फिर यहाँ पे रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के बारे में जो जागरूकता पैदा करने के लिए एक तरीके से पीएम प्रणाम योजना लॉन्च किया है। तो पीएम प्रमाण यहाँ पे प्रणाम योजना जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको भी बताने वाला हूँ अभी इसी में। और प्लस एक तरीके से इसके लिए जागरूकता बढ़ाई जा रही है। तो क्या मतलब है इसका, पुनर्योजी कृषि का क्या अर्थ है, इसको हम लोग समझेंगे। और पीएम प्रणाम योजना क्या है, देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लाइन में बस आप लोग को याद रखना है, बहुत ज्यादा इसमें बहुत भारी भरकम कुछ चीजें नहीं है, केवल आपको प्रीलिम्स में बहुत छोटा सा प्रश्न बनेगा और उतना ही को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पुनर्योजी कृषि क्या है। देखिए, पुनर्योजी कृषि क्या है, तो ये एक परिणाम आधारित खाद्य उत्पादन प्रणाली है जो कि जिसमें कि मृदा के स्वास्थ्य का पोषण पुनर्स्थापन करती है, जलवायु जल संसाधनों एवं जैव विविधता की रक्षा करती है और खेतों की उत्पादकता और लाभप्रदता को बढ़ाती है। तो इससे क्या समझ में आए, तो देखिए इसका बेसिक चीजें, इसका मूल भाव ये है कि एक तरीके से ये एक ऐसी कृषि पद्धति है, मानिए कि जिसमें कि जो फसल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे फसल की स्वास्थ्य को भी बेहतर करती है, बेहतर रखती है, प्लस मृदा के जो स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर करती है, प्लस रासायनिक जो उर्वरक है, जो रासायनिक चीजें हैं यहाँ पे जो यूज किए जाते हैं उसका भी एक न्यूनतम और परफेक्ट यूज को बढ़ावा देती है, बहुत ज्यादा वेस्टेज वगैरह को ये मतलब एक तरीके से कम करती है। और इसी कॉन्सेप्ट को जो है कम करने के लिए, एक बढ़ावा देने के लिए, इसको ये जो कॉन्सेप्ट है मतलब इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए पीएम प्रणाम योजना लेकर के आया गया। तो पीएम प्रणाम योजना क्या है, अब हम लोग थोड़ा सा इसको भी देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पुनर्योजी कृषि क्या है ये समझ में आ गया। नॉर्मली क्या है, तीन चीजें हैं, क्या क्या चीजें हैं, तो सबसे पहला है फसल, फिर दूसरा है यहाँ पे भूमि, तीसरा है उर्वरक। इन तीनों को संतुलित मात्रा में बेहतर तरीके से उपयोग करना, इसका मुख्य रूप से ये एक लक्ष्य है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे पुनर्योजी कृषि के नाम से जान रहे हैं। अब इस पुनर्योजी कृषि को बढ़ाने के लिए पीएम प्रणाम योजना लेकर के आया गया। तो पीएम प्रणाम योजना क्या है इसको देखते हैं अब। देखिए, ये क्या है कि रासायनिक उर्वरकों की कमी लाने, ठीक है, में कमी लाने और वैकल्पिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लक्षित है। तो खास करके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात नहीं है इसमें कि जो पीएम प्रणाम योजना है वो किससे संबंधित है। तो याद रखेंगे कि उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। रासायनिक उर्वरकों पर यहाँ पे प्रदत्त सब्सिडी के बोझ को कम करेगा, ये याद रखिएगा। एक एक पॉइंट यहाँ पे ये सब्सिडी को कम करेगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं लेना है, ये जो योजना है इस योजना का यही सब उद्देश्य है।
कि जितना भी रासायनिक उर्वरकों पे जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसके बोझ को कम करेगा, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सब्सिडी पद्धति को थोड़ा सा संतुलित करेगा, बेहतर स्थिति में करेगा। अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसको रोकेगा। तो यहाँ पे यदि इस तरीके से आपके टॉपिक में ऐसा कुछ पॉइंट आ गया कि सब्सिडी को कम करेगा, तो बिल्कुल कम करेगा ये योजना, ठीक है। और यह भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अत्यधिक यहाँ पे प्रत्याशी भी बनाएगा, ठीक है। यह उन राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा जो पिछले 3 वर्षों में अपनी औसत खपत में कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। राज्यों को सब्सिडी बचत का 50% अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, जिसका उपयोग वे वैकल्पिक उर्वरकों से संबंधित निर्माण और प्रौद्योगिकी अंगीकरण और जागरूकता सृजन हेतु यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। उसके बाद से इसमें जो है किसानों, पंचायतों, किसान उत्पादक संगठनों और स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी इसमें शामिल होगी, जो कि उर्वरक उपयोग को कमी लाने के प्रयास में ये कहीं ना कहीं ये लोग भी संलग्न हैं। तो ये लोग भी इसमें साथ देंगे, सहायता करेंगे आगे बढ़ने के लिए। और यह पर्यावरण संबंधी चिंता के संबंध में भी हरित कृषि और सतत संवहनीय कृषि अभ्यासों को भी बढ़ावा देने पर सरकार के एक तरीके से यहाँ पे फोकस के रूप में अनुरूप में ये काम करेगी, ठीक है। तो ये एकदम कुछ टू द पॉइंट खास बातें हैं। देखिए यहाँ से एक प्रश्न भी मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, कोशिश कीजिएगा आप लोग लिख सकते हैं। तो भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। मैं प्रश्न अभी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग पहले ही बहुत सारी ऐसी बातें कर चुके हैं, ठीक है। तो आप लोग एक बार आंसर लिख करके देखिएगा। भारत की उर्वरक सब्सिडी व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। हाल ही में लॉन्च किया गया पीएम प्रणाम कार्यक्रम इसमें से कैसे जो है इसमें जो है मदद कर सकता है, ठीक है। सब्सिडी व्यवस्था को बेहतर करने में, उसमें सुधार करने में कैसे मदद कर सकता है पीएम प्रणाम कार्यक्रम, इसके बारे में आपको जो है 15 यहाँ पे अंक है और 250 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो आप लोग जरूर एक बार प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो जो बेसिक चीज़ें थी उसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, ठीक है। ऐसे ही और भी टॉपिक होगा तो मैं ज़रूर लेकर के आऊँगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आप लोग को अगर बेहतर समझ में आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट करके ही बताइएगा, ठीक है। अभी तक आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।